पता रहता कि हमारे खेत ही हैं। खेत थोड़ी है यार, लोगों ने मतलब जैसे फ्लड होते हैं ना, तो ऐसी ही होगी। नहीं तो फिर जैसे जिन लोगों ने पहले अपने लिए कनक लगा ली है ना, गवर्नमेंट के अंदर पानी में इसका मैंने वो देखो कनक Guys, here is the place. Hello everyone. So ये है एक place जिसका नाम है बाथू की लड़ी, और ये इतनी अच्छी जगह है ना ये. So are you guys excited to see? Okay. Let me show you. So guys, ये है बाथू की लड़ी. यहाँ पे एक मंदिर है, और ये जो आपको सामने एक पिल्लर जैसे सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? एक गाइज, यहाँ की स्टोरी ये है कि इस मंदिर की मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट जितना पता है मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ. यहाँ पे पांडव जो थे वो आए थे, और ये जो आपको सामने एक पिल्लर जैसा दिख रहा है, एक मिनट, हाँ ये पिल्लर नहीं है, ये सीढ़ियाँ हैं. उन्होंने यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनाना शुरू की थी स्वर्ग तक, मतलब उन्होंने. और उस टाइम पे ये हुआ था कि सुबह नहीं होगी, रात और दिन नहीं होगा, बस उन्होंने ये बनाना शुरू कर दी थी. लेकिन अचानक से पता नहीं कुछ हुआ बीच में, और तभी अचानक से ना सुबह हो गई, और फिर उनकी जो सीढ़ियाँ थी ना वो आधी टूट गई. हाँ, तो यहाँ पे फिर उस दिन सुबह हो गई थी, और इनकी जो ये सीढ़ियाँ हैं वो आधी बनी आधी, और फिर आधी जो है वो नीचे गिर गई. और यहाँ पे अभी जो दिखाई दे रही हैं आपको ये सीढ़ियाँ, ये भी काफ़ी सारे जो है वो टूट चुकी हैं, आधी ही बची हैं ये. और इन्होंने एक मंदिर बनाया था, यहाँ पे एक भीम का पत्थर भी है, वो थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा दूर जाके है. तो ये जो आपको पानी दिखा रहा, अभी ये जो मंदिर है ये पानी में डूबा हुआ है. जब थोड़े से जैसे मौसम क्लियर होता है, ये पानी सूखता है, तो पूरा अच्छे से मंदिर निकलता है, और बरसात में फिर से ये जो है वो डूब जाता है. अभी थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरी बरसात जब यहाँ पे पानी है तो सब जगह यहाँ पानी पानी से भरा होता है, और ये मंदिर पूरा ही जो पानी से वो डूब जाता है. और ये इतनी अच्छी लोकेशन है, इतनी शांति है यहाँ पे. और अगर आप यहाँ मंदिर तक जाना भी चाहते हो, तो यहाँ पे आपको बोट जो है अवेलेबल है. यहाँ पे सब बोट्स हैं, यहाँ पे खाने के लिए आपको स्टोर्स दिख जाएंगे. और सो गाइस, बहुत ही देख सकते हैं आप पानी कहाँ कहाँ तक है, और इसके पीछे सारा खेत है. और ये जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये धर्मशाला की पहाड़ियाँ हैं, बर्फ है अभी, और ये बहुत दूर दूर तक पानी है. तो आप जा रहे हो? ओह, यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है. ओके, और ये पानी में क्या तुम्हारा भी फोटो शूट होने वाला है? ओके, ये हमारा फोटोग्राफर है, सभी इसको बोलते हैं हमारी फोटो खींचो, पर इसकी कोई फोटो नहीं खींचता है. ओके, कोई बात नहीं. आप जाने वाले थे ना? हाँ जी, जा रहे वापस आ गई मैं. जाके वापस आ गए सपनों में. ओके, अभी हमारे दो साथी हैं,
वो पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। वो देखो, वो दिख रही होंगी आपको आती हुई, कहाँ है? हाँ वो हमारे दो साथी हैं, वो पीछे रह गए थे, वो आ रही है। और ये कहाँ रह गए थे तुम लोग? घूम रहे थे, गुम हो गए थे। अरे ये पहले पहले निकले थे हमसे। ये देखो पंगेबाजी शुरू हो गई है। ये फोटो खराब कर रही है। इसे कहते हैं एक दोस्त को परेशान करना। ये लड़ाई। और इधर देखिए, हाँ ये देखिए, यहाँ पे बोट में जा रहे हैं और लोग वो ऊपर तक है सीढ़ियों में। अगर आपको स्टोरी यहाँ की थोड़ी समझ नहीं आई होगी तो आप गूगल कर सकते हैं, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। बाकी बहुत अच्छी जगह है गाइज, आप मैं लोकेशन जो है आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप अगर कोई यहाँ आसपास है या दूर का भी है तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। धूप थोड़ी तेज है बट बहुत अच्छी जगह है। ये देखिए ये लोग वहां से घूम के आ रहे हैं। मैं आपको दूसरी साइड पे लेके जा रही हूँ, यहाँ से शायद आपको बिल्कुल साफ दिखे। देखिए आपका इस पानी देखिए और कहाँ तक फैला हुआ है। आंटी कैसा लगा आपको वहाँ पे जाके? बहुत अच्छा। आपको यहाँ की स्टोरी पता है? नहीं पता नहीं। स्टोरी, हाँ जी स्टोरी तो पता है। हाँ जी प्लीज आप शेयर कर सकते हो। शेयर की करनी है कि इत्थे मेरे नाल ही सोरे न, ठीक है? ओके। ते मैं अपनी मैरिज तो कोई 14 साल बाद मैंने पता लगा कि इत्थे बाथरूम लड़ी है। ओके ओके ठीक है। हाँ जी ये पांडवा ने बनाया जी। अच्छा जिस टाइम कहते हैं कि उन्होंने उतो निकल गए थे। हाँ जी ठीक है। टीवी देखे होना सीरियल तो जेड़े उत्थे टाइम जेड़ा उन्होंने बतीत किया तो इत्थे फिर ये बनाते रहे। कई जगह उन्होंने इस तरह की बनाई तो झील च आ गई ना, तो सुके जगह च भी कई जगह है। और सब तो वड्डी हैरानगी की गल तो यह है कि इतने जी चीज बनाई है पता नहीं किस चीज की बनाई है कि पानी का भी कोई असर नहीं होता। इधर इधर ही रहा है और पानी च सारे डूबे होंगे अज तक भी पानी च। अगले महीने तक जो ओपन होना है। ओके ठीक है। और ये जो सीढ़ियां हैं ये कह रहे इन्होंने स्वर्ग को जाने के लिए बनाई थी। जाने कहते कि परमात्मा नाल मिलना सीगा तो एक कोड़ी रह गई थी। अच्छा सूरज दे निकल तो पहला कंप्लीट करनी थी उन्होंने रातों रात। हां हां ते वो सूरज निकल आया तो फिर वो लास्ट कोड़ी जड़ी है वो रह गई सीगा तो उस बाद थोड़ा ठीक भी गया। थैंक यू अंकल, थैंक यू। फोटो अच्छी आएगी। ये देखो ओ माय गॉड। आप क्यों शांत हो मैम? कुछ नहीं ये देखिए खेली लो। अभी बनने जा रहा है बर्फ का गोला क्योंकि अभी बच्चे थक गए हैं। बच्चे ओले 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 फोटोज खिंचवा के बच्चे थक गए। पता नहीं क्या हुआ इसको। Thank you.
फ्लेवर है। तेरी करा अभी थोड़े ठंडे लग रहे हैं ना। बहुत मन है वहाँ तक जाने का बट टाइम नहीं है, टाइम की थोड़ी सी पाबंदी है। हमें यहाँ से निकलना भी है क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुकी है यहाँ तक पहुँचने में। तो अभी बस यही थी छोटी सा व्लॉग, मैं लोकेशन आपके साथ शेयर कर दूँगी ज़रूर। और जब अगली बार वो मंदिर तक जाएंगे तो तभी छोटे सा व्लॉग बनाएंगे। ओके, ये था एक छोटा सा व्लॉग, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। तू बहुत ज़्यादा है।